हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शुभ शांति क्लासेज। आज के वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए इंग्लिश सेक्शन से कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। देखते हैं, फर्स्ट है एनिमल लिविंग इन वाटर। वो एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है एम्फीबियन, बी ऑप्शन है एक्वाटिक, सी है मैमल, डी है ग्रेगेरियस। तो करेक्ट आंसर है एक्वाटिक। जो एनिमल वाटर में रहते हैं हम उन्हें एक्वाटिक कहते हैं। और भी ऑप्शन सब देख लेते हैं। एम्फीबियन उन्हें कहते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रहते हैं। मैमल होते हैं स्तनधारी जंतुए, और ग्रेगेरियस होते हैं जो लोग मिलनसार होते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने Someone not fit to be chosen। वो लोग जो चुने जाने के लिए नहीं, अरे योग्य नहीं है, फिट नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने अनएलिजिबल, बी ऑप्शन है नॉन एलिजिबल, सी ऑप्शन है इनएलिजिबल, और डी है इनएलिजिबल। करेक्ट आंसर आपका है इनएलिजिबल। वो लोग जो चुने जाने योग्य नहीं हैं उन्हें हम इनएलिजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वो जो कि डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल करता है, तो उसे क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने लेक्सिकोग्राफी, बी है लेक्सिकल, सी है लेक्सिकॉन, एंड डी है लेक्सिकोग्राफर। तो करेक्ट आंसर है लेक्सिकोग्राफर। जो कि डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल करता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टील द राइटिंग ऑफ अदर्स। वो लोग जो कि दूसरों का लिखी हुई चीज़ें, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, सब चुरा लेते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि वो उनका है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन आपके सामने है प्लेजरिस्ट, बी है नेपोटिज्म, सी है पॉपुलर, एंड डी है प्लेजरिज्म। तो करेक्ट आंसर है प्लेजरिस्ट। वो लोग जो कि दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को चुरा लेते हैं उनको हम प्लेजरिस्ट बोलते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। नेपोटिज्म है जिस बोलते हैं उसको भाई भतीजावाद, और पॉपुलर जो विख्यात होता है, प्लेजरिज्म होता है, ये एक प्रोसेस होता है, चुराने का जो प्रोसेस होता है उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन। वो चीज़ जो कि एक ही तरह का हो, एक ही डायमेंशन, सेम डायमेंशन, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं होमोफोनी, होमोनिमस, होमोजीनियस, होमोसेक्सुअल। तो करेक्ट आंसर है होमोजीनियस। वो चीज़ जो कि एक ही जैसे उसका डायमेंशन हो, सेम डायमेंशन हो, सेम टाइप का हो, तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शुभ शांति क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।